बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा करोला 1986 मॉडल का, जो कि गाड़ी फॉर सेल है। इसकी अगर डिमांड की बात की जाए तो इसकी 7 लाख इसकी फाइनल डिमांड बताई गई है मर्दान के अंदर। गाड़ी अभी आपको इसकी लोकेशन वगैरह आपको बता देता हूँ। इसकी मर्दान इसकी लोकेशन है और गाड़ी सवात की गाड़ी आपको रजिस्टर्ड मिल जाती है। अंदर से गाड़ी आपको टोटली जेन्युइन मिलती है, बाहर से गाड़ी आपको 60% शावर मिलती है और 1997 के अंदर ये इम्पोर्ट की गई थी। अभी इसका इंशाल्लाह डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर किस तरह का है। साइड में आप लोगों को नंबर वगैरह मैं अभी शो करवा दूंगा, साइड में आपको नंबर भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा साइड में आपको एफपी का आईडी स्लिप में शो करता हूं। अगर आप फर्ज करें आपको कॉल वगैरह नहीं लगती तो आप एफपी के ऊपर, आप मैसेंजर के ऊपर आप ओनर से बात कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसका डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर किस तरह का है। टोयोटा करोला 1986 जीएल सैलोन, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए, काफी नीट एंड क्लीन व्हाइट कलर के अंदर आपको गाड़ी मिलती है। अगर इसकी बॉनेट की बात की जाए, बॉनेट आपको काफी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। अगर इसकी फेंडर की बात की जाए, फेंडर भी आपको इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है। यहाँ पर आपको इसका सैलोन का लोगो भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर नहीं मिलते, जस्ट आपको डीएक्स मॉडल के अंदर आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं, नहीं तो जीएल या 86 सैलोन के अंदर आपको ये चीजें नहीं मिलती। आपको फेंडर काफी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। फेंडर के साइड में आपको इसका फ्रंट के ऊपर मिल जाता है मिडम लाइट्स, साइड में आपको इंडिकेटर और लाइट्स की साइडों में आपको एल्यूमिनियम के गोले भी दिए जाते हैं, जो कि आपको फ्रंट हेडलाइट्स के अंदर भी दिए जाते हैं। और अगर इसकी फ्रंट है हेडलाइट्स की बात की जाए, हेडलाइट्स आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती हैं। दोनों मिडम में आपको इसकी मिल जाती है क्रोम की, आपको ग्रिल मिल जाती है जो कि आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दी जाती है। नीचे भी क्रोम, ऊपर आपको C34 का लोगो दिया जाता है। अगर इसकी फ्रंट बम्पर की बात की जाए, बम्पर आपको व्हाइट कलर के अंदर ही आपको मिल जाता है, लेकिन गाड़ी 60% बायस से शावर है। ऊपर आपको इसकी ब्लैक कलर की एक्लेयर सी दी जाती है और फ्रंट के ऊपर आपको इसका क्रोम का गोला भी दिया जाता है। मिडम में आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन, और अगर इसकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रेच भी मिल जाता है बम्पर के ऊपर, ज़रा सा पेंट उखड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, फिंडर वगैरह परफेक्ट है, फ्रंट बॉनेट भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर इसकी फ्रंट स्क्रीन की बात की जाए, स्क्रीन आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलती है। साइड में आपको इसके एल्युमिनियम के गोले दिए जाते हैं। साइड मिरर आपको इलेक्ट्रिक मिलते हैं, आप इन्हें अंदर से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ये ऑप्शन इसके अंदर आपको मौजूद मिल जाता है। अगर इसकी फ्रंट विंडोज़ की बात की जाए, विंडोज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। विंडोज़ के हैंडल आपको मिल जाते हैं दोनों ऑप्शन के अंदर फ्रंट, एक तो आपको साइड में आपको इसकी हार्ड प्लास्टिक कवर दिया जाता है और मिडम में आपको इसके एल्युमिनियम का हैंडल दिया जाता है। नीचे रबड़ी नुमा गोले मिलते हैं जो कि फ्रंट एंड बैक साइड की विंडोज़ के ऊपर आपको मिलते हैं। रबड़ी नुमा इसके ऊपर आपको क्रोम की एक क्लियर सी भी दी जाती है। ये आर इसलिए होती हैं कि दरवाजे को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। नीचे फिन बोर्ड आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। बैक साइड की विंडोज़ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। विंडोज़ के पैनल आपको मिल जाते हैं जी ब्लैक, और ऊपर आपको एल्यूमिनियम के चारों तरफ गोले भी दिए जाते हैं। ये आगे इसकी राइट साइड की प्रोफाइल, और ये आगे इसकी फ्रंट की। फ्रंट की अगर देखी जाए तो कुछ इस तरह की प्रोफाइल लगती है, काफ़ी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और इसकी डिमांड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्ट में बता दी है, लेकिन अगर फिर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी डिमांड साथ है कि इसकी फाइनल डिमांड है। एनीवे, अगर इसकी लेफ्ट साइड की फिंडर की बात की जाए तो यहाँ से इसका फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। यहाँ पर आपको स्पेशल एडिशन का लोगो भी मिल जाता है और बम्पर वगैरह बिल्कुल अपनी फिटिंग के अंदर मौजूद है, कहीं से कोई उखड़ा हुआ बम्पर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पर इसकी टोयोटा की स्टिकर वगैरह की बेजिंग भी दी जाती है माशाल्लाह, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसकी रूफ़ की बात की जाए, रूफ़ इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिल जाता है, और साइड में आपके इसके एल्युमिनियम के गोले वगैरह परफेक्ट हैं। और यहाँ पर भी इसके अगर जूम बात की जाए विंडोज़ वगैरह की, तो बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट हैं। तो ये आगे इसकी कुछ प्रोफाइल, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देख लें इसकी हाइट्स वगैरह भी देख लें। इसकी हाइट्स कुछ इस तरह की, इसके अंदर ओरिजिनल अलॉय रिम दिए गए हैं। अलॉय रिम मीन इसके अंदर ओरिजिनल जो रिम आया करते थे टोयोटा के, आपको व्हील कप वाले मिल जाते हैं, ठीक है। साइड में आपको इसके मिलियम का दिया जाता है, मिडल में आपको टोयोटा का लोगो भी दिया जाता है, और टायर्स इसके अंदर ब्रांड न्यू ही आप समझ लें, काफ़ी नीट एंड क्लीन टायर्स हैं। और गुड लक इसका जो है ना केक स्पोर्ट 490 के इसके अंदर टायर्स हैं, ठीक है। फिंड बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर इसके देख लें बिल्कुल ये ओरिजिनल रिम आया करते थे उस टाइम पे जब गाड़ी कंपनी से निकली थी, तो उस टाइम पर ये ओरिजिनल इसके अलॉय रिम थे। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलते मार्केट से। एनीवे, यहाँ पर अगर इसकी फिंडर की बात की जाए तो यहाँ से इसका फिंडर वगैरह देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आप चलते हैं जी इसकी बैक साइड की जानेब, और अगर इसकी बैक साइड की प्रोफाइल की बात की जाए ट्रंक की, तो ट्रंक पहले का आप तो मिल जाता है ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल इसके ऊपर पेंट वगैरह नहीं किया गया, ये देख लें।
और यहाँ पर आपको टोयोटा करोला की बैजिंग दी जाती है। यहाँ पर जी एल सलोन की बैक साइड की स्क्रीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इसके अंदर आपको मिल जाता है एक पर्दनुमा भी, इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन सा बना रखा है जिससे गाड़ी की और ज़्यादा अमेजिंग माशाल्लाह लुक आ रही है। और आपको एल्युमिनियम के साइड में कवर, हेडलाइट्स की बात की जाए टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स आपको मिल जाती हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन ही हैं। और ऊपर आपको इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, मिडम लाइट्स और यहाँ पर भी इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं आप देख लें और ठीक ही हैं, आप ये समझ लें 50-50 कर लें आप। और अगर इसकी नीचे बैक साइड की बम्पर की बात की जाए, बम्पर आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलता है, यहाँ पर इसकी फोक्स वगैरह टो करने के लिए भी मिल जाती हैं। और बैक साइड के ऊपर लेयर्स भी दी जाती है ब्लैक कलर की और क्रोम का लोगो भी, और यहाँ पर देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल इसकी बैक साइड की प्रोफाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर इसकी साइडों में आप इसकी फिंडर वगैरह देख लें, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब चले जाते हैं जी इसके इंटीरियर की जानिब, और अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो आपको इसके अंदर सा इंटीरियर मेरून आपको मिल जाता है, ठीक है, इंटीरियर आपको मिल जाता है मेरून कलर का। पहले तो बात करते हैं जी इसकी स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलता है, मिडम में सी शीशा का लोगो, हॉर्न के बटन। और यहाँ पर अगर स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर आप देख लें, आपको ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिलता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इस साइड में आपको इसका आरपीएम मीटर नहीं मिलता, जस्ट स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, आपको साइड में घड़ी और इंजन लाइट्स वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। स्पीडोमीटर की साइड में आपको इसके एसी केबिन्स और यहाँ पर जो बटन दिए गए ये आपको मिडम लाइट्स के बटन दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक दी जाती है, एसी केबिन्स सीएनजी वगैरह इसके अंदर लगी है, तो उसके ये बटन वगैरह यहाँ पर आपको दिया जाता है। और यहाँ पर अगर इसकी डैशबोर्ड की बात की जाए, डैशबोर्ड आपको लेदर के अंदर मिल जाता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई डैमेज वगैरह नहीं है। एसी के वेंट्स मिडम में दो साइड में भी आपको मिल जाता है, ऊपर घड़ी दी जाती है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नीचे आपको इसका एंड्रॉयड सिस्टम भी दिया जाता है। फिफ्थ गियर आपको, फोर स्पीड आपको इसकी मैनुअल गाड़ी मिलती है, फिफ्थ स्पीड, क्योंकि 16 वाल के अंदर फिफ्थ स्पीड ही आता है, तो ओरिजिनली ये 12 वाल इसके अंदर गाड़ी के अंदर था, तो वो फोर स्पीड के हिसाब से था, लेकिन अभी ये इसके अंदर 16 वाल इंजन है, तो ये फिफ्थ स्पीड गाड़ी है, ठीक है। और नीचे इसका आर्म रेस्ट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है माशाल्लाह, फैमिली के लिए बेस्ट है। यहाँ पर विंडोज़ के पैनल्स भी ऊपर भी आपको हार्ड प्लास्टिक के कवर दिए जाते हैं, नीचे रिक्जीन वगैरह। और ये आगे इसकी सीट्स, आप ये सीट्स देख लें, आपको क्रीमी कलर की इसकी सीट्स दी जाती हैं और मैनुअल आपके इसके विंडोज़ के हैंडल्स वगैरह मिलते हैं, आपको पावर बटन नहीं मिलते। और मिडम में जो इसकी रिक्जीन है वो बिल्कुल सीट की कलर की तरह आपको मिलती है, नीचे हार्ड प्लास्टिक, ऊपर आपको थोड़ी सी लेदर दी जाती है। यहाँ पर इसकी सीट वगैरह देख लें, पीछे आपको इसकी रिक्जीन दी जाती है और कुछ इस तरह का आ गया आर्म रेस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज भी है लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये आ गया कुछ इसका इंटीरियर। अब चले जाते हैं जी इसकी बैक साइड की जानेब, और बैक साइड की अगर पहले स्पेस की बात की जाए, स्पेस इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, आप 3 बंदे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और विंडोज़ की गति की बात की जाए तो बिल्कुल परफेक्ट, इन सील वाइज गाड़ी देख लें वो भी ठीक है, सीलें वगैरह भी इसकी ठीक है, विंडोज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर इसकी सीट वाइज इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है। और यह आगे कुछ इसकी बैक साइड का इंटीरियर। आप चले जाते हैं जी इसके ट्रंक की जानेब, और यह आगे इसका कुछ ट्रंक की स्पेस वाइज गाड़ी परफेक्ट है, आप 2 बैग छोटे रख सकते हैं, अगर ट्रंक ना होता तो आप फिर 3 भी रख सकते थे। इसके अलावा इसके अंदर आपको पेट्रोल एंड सीएनजी वगैरह की स्टॉल मिल जाती है, और अंदर से कुछ इसका स्पेस वाइज गाड़ी कुछ इस तरह की है, फ्रंट बैक साइड की पट्टियाँ वगैरह भी आप लोग देख लें, नीचे इसका फ्रेम देख लें। और ये आ गया कुछ इसका फ्रेम, ये आ गया इसका कुछ फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर स्टेपनी वगैरह भी आपको मिल जाती है। ये आप जवाब बात करते हैं जी इसके इंजन रूम की, तो ये आ गया इसका इंजन रूम। पहले तो इसकी मैं आपको सीलें वगैरह दिखा देता हूँ, इसके इंजन रूम का फ्रेम वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यहाँ से कोई डैमेज वगैरह नहीं है, इसके घोड़े वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके ओके, अच्छा अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 16 वाल 1300 cc इसके अंदर आपको इंजन मिल जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर किट वगैरह भी लगी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दूसरी घोड़ी वगैरह की बात की जाए तो यहाँ से सीलें वगैरह परफेक्ट हैं, इसकी घोड़े वगैरह भी परफेक्ट है, यहाँ पर ज़रा सा आपको डैमेज मिलता है नहीं, तो इसके अलावा यहाँ से नीचे सीलें वगैरह ठीक ही हैं। ओके, तो यह कुछ इसका अंदर से इंजन रूम, फ्रंट की पट्टी वगैरह देख लें, ब्लैक कलर की आपकी इसकी पट्टी वगैरह मिलती है, और कुछ इस तरह का ये आ गया जी, ठीक है। काफ़ी इंजन गंदा है, इसे वॉश करवाना पड़ेगा। एनीवे ये आ गया ऐसा कुछ इंजन। तो ये था आज का रिव्यू टोयोटा करोला 1986 मॉडल, जो कि 1997 के अंदर इम्पोर्ट की गई थी। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ,
जो कि स्टार्ट में देनी चाहिए थी, अभी लास्ट में दे रहा हूँ। नंबर आप लोगों के ऊपर श्योर होगा, डिमांड भी टोयोटा करोला 1986, इंपोर्ट 1997 में, वाइट कलर, सवाद की रजिस्टर्ड है, सिंजी पेट्रोल एक बंदे के नाम के ऊपर ही है, EV5 16 वाल्व 3cc इंजन, HD स्क्रीन, सील टू सील, पासपोर्ट साइज आपको इसकी कॉपी मिलती है, फाइल हैंड, पावर स्टेयरिंग व्हील, पावर साइड व्यू मिरर, ओरिजिनल रिम एंड ब्रांड न्यू टायर्स, टोकन पेड अप टू डेट आपको 2021, नीट एंड क्लीन, इनसाइड फुल जेन्युइन है, आउटसाइड आपको श्योर मिलती है 60%, और लोकेशन इन मरदान। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज ही लेते नहीं, अपने बाइक को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।